जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल। सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स का एक बार फिर से स्वागत है आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, ये जो वीक था और अभी आज का जो दिन है 26 अप्रैल मंडे से लेके कल 25 अप्रैल तक, 22 से लेके 25 अप्रैल तक हमारे बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज भी मिले हैं, उनकी फाइल पर डिसीजन भी आया है, कुछ मित्रों को रिजेक्शन भी मिला है। तो जो हमारा प्रिडिक्शन है बिल्कुल सही चल रहा है। दिसंबर मंथ लगभग लगभग 98% तो क्लियर हो चुका है और जो जनवरी मंथ है मेरा जो अनुमान है 60% क्लियर हो चुका है। इतने वीज़ा आए हैं जनवरी के, आप मानकर चलिए। कुछ फाइलिंग हमने भी की थी 12 जनवरी की, 2 जनवरी, 3 जनवरी। तो ये वीक जो चल रहा है अभी, जो चार दिन में बीते, 4 दिनों में इतने वीजा आए हैं जनवरी के, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था दिसंबर में जो क्रिसमस के हॉलीडे थे, न्यू ईयर का वेकेशन था, तो परमिट्स कम इशू हुए थे और जितने भी एप्लीकेंट थे उनका सबमिशन 15 जनवरी के बाद ही हुआ था। ज्यादातर सब केस में देखा गया है तो 15 जनवरी के बाद सबमिशन ज्यादा हुआ है, 15 से लेकर 31 जनवरी तक। तो जितने भी हमारे मित्रों ने जनवरी में सबमिशन किया है तो उनके लिए ये वीक था खुशखबरी वाला था। और आज का दिन जो 26 अप्रैल है शुक्रवार का, ये भी खुशखबरी वाला होगा। शाम को 5:30 से 6:30 बजे तक मैं हर बार मित्रों को एक बार यही बात बोलता हूँ कि आपका स्टेटस शाम को 5:30 से 6:30 के बीच ही चेंज होगा, उसके पहले कभी भी चेंज नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो VFS सेंटर के ऑथोराइज पर्सन होते हैं, जो क्रोशिया की फाइल का को हैंडल करते हैं, वो जो क्रोशिया की एम्बेसी है शांति निकेतन नई दिल्ली में, वहाँ से आपके जो जितने भी मित्रों के डिसीजन आए होंगे एक दिन पहले, वो कलेक्ट करके आते हैं। और जैसे आज फ्राइडे को भी बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिलेंगे या डिसीजन आएगा, जो भी उनका निर्णय होगा एम्बेसी काउंसलेट का। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है शाम को 5:30 से 6:30, केवल मैं उन्हीं मित्रों को कहूंगा जिनका जनवरी में सबमिशन हुआ है। अभी हमारे कुछ मित्र बार बार एक ही क्वेश्चन करते हैं, कमेंट्स बॉक्स में करते हैं या कॉल करते हैं। देखिए, आपको कम से कम 80 से 90 दिन के भीतर आपका स्टेटस चेंज नहीं होगा, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। तो आप 80 से 90 दिन तक तो पहले आप शांति रखिए, उसके पहले आपका कोई भी डिसीजन आना पॉसिबल नहीं है जिनका कि 1 ईयर का वर्क परमिट है। और खुशखबरी ये भी है कि जितने भी हमारे सीजनल वर्क परमिट वाले मित्र हैं जिन्होंने सबमिशन किया था फरवरी में, मार्च में या अभी अप्रैल में भी करके आ रहे हैं, तो उनका वीजा आएगा 60 से लेकर 75 दिन में। मेरे पास 3 मित्रों के कॉल आ चुके हैं प्रूफ के साथ कि उनका सीजनल परमिट था, उनका वीजा लग चुका है 75 डेज के अंदर। तो जितने भी हमारे मित्र हैं जिनका सीजनल परमिट में सबमिशन हुआ है, 6 महीने का परमिट हो उनका या 3 मंथ का हो या 7 मंथ का हो, तो उनकी फाइल पर डिसीजन फास्ट आएगा। तो 60 से लेकर 75 दिन के भीतर उनके डिसीजन आ जाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है और यही प्रिडिक्शन चल रहा है और यही ट्रेंड देखा गया है। पिछले 4 दिनों में भी 3 लोगों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले हैं जिनके कि सीजनल परमिट थे। तो ये सीजनल परमिट वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इस साल भी काउंसलेट जो सीजनल परमिट है उसको प्रायोरिटी, उन केसों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और जो 1 ईयर वाले हैं, जितने भी हमारे 1 ईयर के परमिट्स जिनके हमारे मित्रों ने सबमिशन किए हैं VFS सेंटर में, तो उनको 90 दिन, 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन लग जाएंगे। और अभी ट्रेंड यही देखा गया है, जितने भी जनवरी के केस आए हैं 90 दिन, 85 दिन, 100 दिन के भीतर भीतर ही डिसीजन आया। सबसे ज्यादा जनवरी मंथ वालों के लिए ये खुशखबरी है, क्योंकि दिसंबर मंथ वाले मित्रों को तो 120, 130, 125 दिन भी लग चुके थे कुछ केसों में। तो जनवरी मंथ के जितने भी हमारे मित्र सबमिशन करके आए इंडिया के अंदर 6 VFS सेंटर में, तो उनके केस 90 से 100 दिन में विथ रिजल्ट आ रहे हैं, चाहे डिसीजन नेगेटिव हो या पॉजिटिव। तो अब जो अगला हफ्ता है आएगा 29 अप्रैल से लेकर 3 मई, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आप मित्रों को बताया था इसमें भी जनवरी मंथ का ही प्रोसेस चलेगा। और मेरा जो अनुमान है 10 मई तक पूरा जनवरी फुल फ्लैश में खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जितने भी हमारे मित्र हैं जिन्होंने फरवरी में सबमिशन किया है, तो मेरा अनुमान है अगर जनवरी इतना फास्ट प्रोसेस में चल रहा है
तो जो मैंने आपको बताया था 10 मई वाला जो वीक है, 10 मई के दिन भी आ सकता है, 9 मई के दिन भी, फरवरी मंथ की स्टार्ट हो सकती है, और होने को तो वो 5-6 मई से लेकर 6 मई को भी स्टार्ट हो सकता है फरवरी मंथ। तो जितने भी हमारे मित्र हैं जिन्होंने फरवरी मंथ में सबमिशन किया है भारत के अंदर, तो वो मित्र 6 मई से तैयार होकर बैठ जाइए। उनका जो स्टेटस है आप चेक कर सकते हैं अपने रेफरेंस नंबर डाल के शाम को 5:30 से 6:30। अगर आपका ईमेल आईडी खुद का दिया हुआ है तो आपको ईमेल आईडी के थ्रू भी आपका स्टेटस मालूम पड़ जाएगा। बस आपको वेट करना है 6 मई तक का। कुछ एक दो मित्रों के फरवरी के भी डिसीजन आए हैं, कुछ मित्रों ने कमेंट किए हैं, तो ये ऐसा कुछ केस में है क्योंकि उनके सीजनल परमिट थे। आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, पिछले वीडियो में कुछ मित्रों ने कमेंट किया है कि उनका 6 फरवरी का सबमिशन था, उनका वीजा आ चुका है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे भाग्यशाली मित्र होंगे जिन्होंने सीजनल परमिट में सबमिशन किया है, तो उनके लिए ये वर्ष भी खुशखबरी वाला रहेगा, यानी कि उनका वीजा का जो डिसीजन है 60 से 75 दिन के अंदर आ जाएगा। तो चाहे जो डिसीजन हो उसको आपको सहर्ष स्वीकार करना है। और कुछ हमारे मित्रों का कॉल आ जाता है बार बार कि हमारा कोरियर डिस्पैच का मैसेज आया है, तो उनको खुशखबरी मिलती है, फिर भी वो एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं कि क्या हमारा वीज़ा लगा है कि नहीं। और कुछ मित्रों का रिजेक्शन आ जाता है कि एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्ड टू द एप्लीकेशन सेंटर। इसका मतलब यही होता है मित्रों कि आपका रिजेक्शन आ चुका है, फिर भी आप क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए कॉल करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको जो आपकी सही इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको दे देंगे। तो आप धीरज रखिए, आपके टर्न का वेट करिए, जब भी आपका डिसीजन आएगा तो आपका जो भी डिसीजन हो उसको सहर्ष स्वीकार करिए। देखिए क्रोशिया के अंदर वीज़ा भी लग रहा है और रिजेक्शन भी आ रहा है, ये आपकी कंपनी के ऊपर डिपेंड है, आपकी कंपनी कैसी है और वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसका कंपनी टैक्स भरा है कि नहीं, और आपसे जो पहले मित्र गए थे क्रोशिया में उसी कंपनी में वो वहाँ पर अभी कार्यरत हैं कि नहीं वर्तमान में। अगर वो वहाँ से मूव ऑन कर गए होंगे, कंपनी टैक्स नहीं भरेगी तो उसका ग्राफ गिर जाएगा, कंपनी ब्लैक लिस्ट हो जाएगी और थोड़े समय बाद कंपनी बंद भी हो जाती है। तो इस कारण क्या होता है, रिजेक्शन आता है। इसके लिए तो मैंने बहुत सारे वीडियो पहले भी बताए हैं कि नंबर 8 पे रिजेक्शन क्यों आता है, तो वो वीडियो से आपको और अधिक जानकारी मिल जाएगी। हालांकि हमारे सब मित्र वो वीडियो देख चुके हैं, लगभग 3,500 से 4,000 लोग वो वीडियो को देख चुके हैं, तो वो समझ चुके होंगे कि रिजेक्शन क्यों आता है। तो मैं आशा करता हूँ आज का जो दिन है फ्राइडे 26 अप्रैल, तो शाम को 5:30 से 6:30 के बीच में कम से कम 80 से 100 फाइलों पे आज भी डिसीजन आने की उम्मीद है। तो ऐसे बहुत सारे मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिलेंगे जिनका जनवरी मंथ में सबमिशन हुआ था, और जो दिसंबर मंथ में कुछ केस पेंडिंग चल रहे हैं उन केसों पर भी आज डिसीजन आ सकता है। तो आशा करता हूँ आज का दिन आप सभी मित्रों के लिए मंगलमय हो और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को कोरियर डिस्पैच के मैसेज मिले। और एक वीडियो को समाप्त करने से पहले फिर आपसे यही कहूँगा कि आने वाला जो वीक है 29 अप्रैल से लेके 3 मई वाला, मित्रों फिर से कह रहा हूँ, 1 मई को सार्वजनिक अवकाश है, एम्बेसी बंद रहेगी, VFS सेंटर बंद रहेगा, ना तो VFS में आपकी क्रोशिया की फाइल का सबमिशन होगा, ना तो आपका क्रोशिया एम्बेसी से कुछ अपडेशन आएगा, फाइल पर डिसीजन आएगा, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक खुशखबरी आपको यही देना चाहूँगा, जो मई मंथ के स्लॉट्स हैं क्रोशिया के खुलने वाले हैं, हो सकता है आज खुलेंगे, बाकी संभावना कम है। मुझे लग रहा है जो प्रिडिक्शन है मेरा 29 अप्रैल को मंडे के दिन खुल सकते हैं सभी VFS सेंटर के स्लॉट्स, जितने भी हमारे इंडिया के 6 VFS सेंटर हैं जैसे बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और हैदराबाद और आपका मुंबई, ये जितने भी 6 VFS सेंटर हैं इनका अपॉइंटमेंट्स मेरा अनुमान है कि मंडे को 29 अप्रैल को 100% खुल जाएंगे। फिर भी आप चाहें तो आज चेक कर सकते हैं, कल भी चेक कर सकते हैं, संडे के दिन स्लॉट्स कभी नहीं खुलते ज़्यादातर, देखा क्या है ये खुलते हैं स्लॉट्स तो फ्राइडे को खुलते हैं या फिर मंडे टू फ्राइडे ही खुलते हैं, जो एम्बेसी का वर्किंग डेज होते हैं उसी दिनों में स्लॉट्स को ओपन किया जाता है। तो आशा करता हूँ आज जितने भी हमारे मित्र हैं जिनका वर्क परमिट आया होगा तो वो मई मंथ के लिए अपना अपॉइंटमेंट्स खुद से भी बुक कर सकते हैं,
उसके लिए वीडियो बने हुए हैं हमारे चैनल पर। पिछले 8 महीने से पहले ही वीडियो अपलोडेड है कि आपका VFS का स्लॉट आप कैसे बुक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज भी जब ये स्लॉट्स ओपन होंगे तो मैं आपको जो हमारा ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उस पर मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि VFS के स्लॉट्स ओपन हो चुके हैं। तो आपका VFS का स्लॉट्स आप अपनी सुविधा के हिसाब से बुक कर सकते हैं। और उस ग्रुप में हम वैकेंसीज भी डाल रहे हैं अभी कि हमारे पास क्या वैकेंसी है करंट में क्रोशिया के लिए। उसमें बहुत सारे ऑफर भी हैं, कुछ आफ्टर वीज़ा सर्विसेज भी हैं, कुछ हमारे पास इस प्रकार की रिक्वायरमेंट्स आई हैं। तो आप उस ग्रुप में जाकर आपको सब अपडेट मिलेगी। तो करता हूँ मैं आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।